अस्सलामुअलैकुम। आज जी सुबह 14 मार्च और ये फॉगी मॉर्निंग, देखें कितनी फॉग है। अच्छी खासी धुंध जो है वो हो जाती है। इसका बस मौसम भी मज़े का होता है, सुबह सुबह रात भी ठंडी है अभी, और मौसम सुबह में भी बड़ा मज़े का, खून की हल्की हल्की महसूस होती है, और वो चिलिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती ये फॉग, लेकिन ये मज़े की धुंध होती है। अभी भी हमारे मार्च में और लेट थोड़ा मौसम जो है वो, जब आप खुले इलाकों में होते हैं शहरों से बाहर, तो यहाँ पर मौसम थोड़ा देर तक, रातें देर तक ज़रा ठंडी रहती हैं। ये बड़ा मज़े का मौसम है, मैंने सोचा आज आपके साथ शेयर करें। ये भी अल्लाह की नेमत है कि मार्च के महीने में आपको सुबह कम से कम ठंडी मिल जाती है। दोपहर धूप जो है वो थोड़ी तेज़ होती है, लेकिन रात भी ठंडी है और मॉर्निंग बड़ी मज़े की है। एक रोज़ पहले मैंने वीडियो बनाई थी यहाँ छत पे और आपके साथ शेयर किया था कि मुझे ये बड़ा पसंद है, मेरे लिए बड़ा अट्रैक्टिव होता है कि हम ऐसे पौधे लगाएं जिनका फल हम खुद हाथ से तोड़ सकें, करीब हो गए। अब दरख्तों पे चढ़ के उतार फल उतारने की उम्र से अब निकल गई, लेकिन ये बड़ा खूबसूरत मंजर होता है कि फल आपके करीब, हाथ के करीब हो। तो ये मैं छत पे आया, मैंने सोचा ज़रा देखें। तो ये बेर का जो दरख्त है ये इस वक्त बड़ा अच्छा फल दे रहा है। इसको गिलहरी अटैक करती है और बहुत ज़्यादा खाती है इसका फल। अच्छा फल नज़र आ रहा है इस पर लगा हुआ है, थोड़ा सा हाथ से दूर, जितना बस छत के करीब है वो तो गिलहरियाँ नहीं छोड़ती। बहुत मज़े के, बस बेर को उतारना ही मसला है। एक तो ये बाहर की साइड पे लगे होते हैं, बाहर बाहर से सीढ़ी लगा के उतारते हैं ऊपर ऊपर, और कांटे बहुत होते हैं, हाइट है, जो बहुत मज़े के हैं। ये पहले साल अब इसका फल हम ट्राई कर रहे हैं, और ये ऐसी जगह उग गया था कि हम सोच रहे थे कि इसको यहाँ से मूव कर दें या ख़त्म कर दें, गेट सेंटर होता ही है, लेकिन अब हो सकता है कि अब ये रह जाए। और हमारा वो बहुत ही टेस्टी फल है और साइज़ भी बहुत अच्छा है। तो खुदराव है, जो हम आम बेर खाते हैं उसमें से गुठली कहीं यहाँ फेंक दी है, अच्छी क्वालिटी का जो बेर आया है। लेकिन ये ज़्यादा दरख्त अफोर्ड भी नहीं होते अनलेस कि आप इसको बाग ही लगाएं, कांटे होते हैं इसके, और इसके ऊपर इस वजह से ये मुश्किल हो जाता है कि आप जहाँ पर उठना बैठना है तो इसकी शाखें गिरती हैं, कांटे गिरते हैं। लेकिन इंशाल्लाह इसको फिर देखेंगे, अगर तो मुमकिन हुआ कहीं शिफ्ट करना तो करेंगे, अदरवाइज़ ये फिर यहीं रहेगा, जाया करेंगे।